आज हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाचा पराठा बनाएंगे, जो आप पनीर की सब्जी या चिकन की ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, सानू फ्लेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाचा पराठा, जो आप ग्रेवी के सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बड़े बाउल में 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो मैदा का आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लें। आटे का सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट ना ही ज्यादा कड़क। थोड़ा सा तेल डालकर आटे को 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लें। अब इसे ऊपर से तेल लगाकर रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि ऊपर का आटा ना सूखे। आटे को ऊपर से कपड़ा ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। आटा 15 मिनट के लिए रेस्ट हो चुका है, इसमें लचक आने के लिए 1 मिनट तक भून लें। अब इसमें से बड़े बड़े लोइयां निकाल लें। इस 2 कप आटे में करीबन 5 लच्छा पराठा बनेंगे। इस तरह से लोइयों को हाथों से गोल बनाएं। लोई को आटा लगाकर बड़ा पराठा बेल लें। पराठा के ऊपर पिघला हुआ घी डालकर सब साइड फैला लें। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो मेल्टेड बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो उंगली या ब्रश से भी फैला सकते हैं। घी को सब साइड स्प्रेड करने के बाद सब साइड आटे को लगा लें। इसी से ही पराठा में लच्छा बनते हैं। करीबन 1 से 1.5 चम्मच आटे को सब साइड फैला लिया है। पराठा के एक कोने से उठाकर एक के ऊपर एक रखते हुए लेयर से प्लीट्स बनाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। पराठा का जो लेयर्स बने हैं, ऊपर से हल्का सा दबाते हुए बड़ा कर लेंगे। एक कोने से गोल आकार देते हुए फोल्ड करते जाएं। जो आखिरी कोना बच जाता है, उसे थोड़ा सा अंदर फोल्ड कर लें। ये पहला लोई बन गया है। इसे थोड़ा आटा लगाकर पराठा को हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप देख सकते हैं पराठा के लच्छे दिखने लगे हैं। ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, मीडियम साइज तक बेलना है। मैंने तवा को पहले ही गर्म कर लिया है। पराठा को तवा के ऊपर डाल दें। आधा मिनट तक सेकने के बाद ऐसे हाथों से थोड़ा सा घुमा लें। अब दूसरी ओर पलट देंगे। अब इस पराठे को घी लगाकर सेक लें। आप देख सकते हैं पराठे में लच्छे दिखने लगे हैं। इसी तरह से दोनों साइड घी लगाकर सेक लें। पराठे को सेकने के लिए आप चाहो तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारा पहला लच्छा पराठा रेडी है। पराठा जब गर्म है, ऊपर से घी या बटर लगा लें, ताकि इससे पराठा सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए पराठा में कितने अच्छी तरह से लच्छे आए हैं। थोड़ा सा क्रश करने से और भी इससे लच्छे दिखेंगे। कितने आसान तरीके से आप भी घर पर ही लाचा पराठा बना सकते हैं। ये देखिए पराठे में कितने अलग अलग लच्छे बनके दिख रहे हैं। आप इसे कोई भी ग्रेवी की सब्जी के साथ खा सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा घर पर ही बनाएं। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरे चैनल में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।